प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, मीराबाई जी जिन्होंने बहुत कुछ प्रभु के प्रेम के बारे में कहा है, जो अपनी ज़िंदगी के शुरुआत में कृष्ण जी महाराज की पुजारन थी, जो एक राजघराने से थी और एक राजघराने में उनकी शादी हुई। मीराबाई जी जिनका शुरू से प्रेम कृष्ण जी महाराज और पिता परमेश्वर से था, वो जान गई थी कि ज़िंदगी में आने का मकसद इस आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है। तो उनकी शादी के 10 साल बाद जब उनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए, तो वो ऐसा समय था कि उस समय जब पति की मौत हो जाती थी तो स्त्रियां सती, जो कि आग में कूद के मर जाना था, वो किया करती थी। तो मीराबाई जी के ऊपर उनके घर वालों का और सबका बहुत प्रेशर था कि वो सती करें। तो क्योंकि उनका लगाव शुरू से पिता परमेश्वर के साथ था, तो उन्होंने सबको बड़े प्यार से ही समझाया कि मीराबाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी। ने समझाया कि मैं तो पिता परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरा वर, मेरी शादी तो पिता परमेश्वर के साथ हुई है, मुझे अविनाशी हैं जो कभी नाश होने वाले नहीं। तो क्योंकि मैं उनके साथ जुड़ी हूँ तो सती करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मीराबाई जी की ज़िंदगी जैसे जैसे बढ़ती चली गई, उनका ध्यान सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति की ओर हुआ। उनकी ज़िंदगी में संत रविदास जी महाराज आए और उन्होंने मीराबाई को नाम के साथ जोड़ा, शब्द के साथ जोड़ा, उनकी आत्मा को उड़ान दी और उनकी मदद से मीराबाई की आत्मा का मिलाप परमात्मा से हुआ। और जब ये अनुभव उनको हुआ तो उन्होंने बहुत कुछ जो उन्हें असली रास्ता लगा उसके बारे में लिखा है। एक जगह वो फरमाते हैं कि मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रेहदास, कि मीराबाई को तो पिता परमेश्वर मिल गए, गोविंद मिल गए दया मेहर से। अपने आप हम पिता परमेश्वर को पा नहीं सकते, अगर पा सकते तो फिर हम 84 लाख जिया जून में भड़क ना रहे होते। हमें मदद चाहिए एक ऐसे महापुरुष से जो खुद प्रभु से एक में कहूँ और उनके हुक्म से इस धरती पर आए हों और हम सबकी मदद करने के लिए आए हों। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने लेखों में ये लिखा है कि लौट आए हैं यार के दर से, वक्त ने जब हमें पुकारा है। तो मैं समझा रहे हैं कि वो पिता परमेश्वर से अंग संग थे, अपने यार पिता परमेश्वर के पास थे, उनकी मौज मस्ती में थे, लेकिन जब वक्त को ज़रूरत हुई तो वो फिर यहाँ इस धरती पर आ गए। ऐसे महापुरुषों को हम पिता परमेश्वर की संतान कह सकते हैं। जब जब यहाँ हमें ज़रूरत होती है कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें,
तो प्रभु जरूर संत महापुरुषों को यहाँ भेज देते हैं। वो अपनी तवज्जो देकर हमें नाम की देन देते हैं। शिव नेत्र जो बंद है इसे खोल देते हैं और फिर हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया की यात्रा पर ले जाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस यात्रा के बारे में फरमाया, फरमाते हैं कि खाक से ताबा क्या कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम उस मिला नज़र नज़र। कि संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि जब मैं इस शरीर से ऊपर उठा, अंदर के चिदाकाश में गया, अंदर की दुनिया में गया, रूहानी दुनिया में गया, तो हर कदम पर प्रभु के प्रेम को पाया और हर एक नज़ारा और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होता गया। कि अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया मोहब्बत की दुनिया, अंदर की दुनिया इश्क की दुनिया, और अंदर की दुनिया की जो खूबसूरती है वो बाहर की किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में कोई भी अल्फाज नहीं जो कि उस खूबसूरती का बयान सही तरीके से कर पाए। क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं वो सिर्फ बाहर की चीज़ें समझा सकती हैं। जब रूहानी यात्रा की बात होती है तो वो अनुभव की बात है। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि सींग इज अबव ऑल, कि खुद देखना सबसे ऊंचा है। अगर हम खुद कुछ देखते हैं इन आँखों से नहीं लेकिन इस आँख से, अंदरूनी आँख से, तभी असलियत क्या है उसका हमें अनुभव होता है। और महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार 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 हमें यही समझाते चले आए हैं कि अगर असलियत को जानना है तो प्रेम के रास्ते को हम इख्तियार करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। जब हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनकी नज़दीकी पाते हैं, जब उनकी नज़दीकी पाते हैं तो उनका अनुभव अपने अंदर करते हैं, जब उनका अनुभव अपने अंदर करते हैं तो हमें यकीन हो जाता है कि अगर पिता परमेश्वर हमारे अंदर हैं तो औरों के अंदर भी होंगे, और फिर खुद ब खुद हमारा लगाव हर एक के साथ होना शुरू हो जाता है। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। ये अवस्था तो तभी आएगी जबकि हम जानेंगे कि वो अपने हैं, तभी होगा जब अपने अंदर हम पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे तो हमें यकीन होगा औरों में भी वो हैं। कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार, तो फिर हमारी ज़िंदगी में एक चेंज आ जाता है, एक परिवर्तन आता है और हम फिर प्रेम की ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वो लोग जो प्रेम करेंगे वही पिता परमेश्वर को पाने के लायक होंगे। और प्रेम करने के लिए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जिस ओर हमारा ध्यान होगा उससे हमारा लगाव होगा, उससे भी प्रेम करेंगे। तो हम प्रभु को पाना चाहते हैं तो हमारा ध्यान भी पिता परमेश्वर की ओर होना चाहिए। इसीलिए सिमरन करने को कहा जाता है। सिमरन का मतलब है प्रभु के नाम का जाप, उसी को सिमरन कहा जाता है। जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो ध्यान पिता परमेश्वर की ओर जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि हजार नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। प्रभु को हम किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, उसको परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, यहोवा कहें। कि हजार नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे, बुला के अंजुमने फिक्र में सवार उसे। वो कह रहे हैं जो ये अंदर है, जो है हमारा ध्यान वो अंदर की ओर जाएगा तो फिर
प्रभु की ओर जब हम ध्यान देंगे तो अंदर की दुनिया में पहुंचेंगे और प्रभु जो परफेक्ट हैं, जो हर चीज़ में खूबसूरती से भरपूर और हर एक चीज़ से भरपूर हैं, तो उनके हमें दर्शन होंगे। जिस ओर ध्यान देंगे उधर ही लगाव होगा, जहाँ लगाव होगा वही यहाँ हमारे जहन में आके बैठेगा। और फरमा रहे हैं कि बिठा के जलवा गहे कल्ब में उतार से, कि हमारे अंदर जो जो चिदाकाश है, जो अंदर के आकाश हैं, उसमें हम अपने पिता परमेश्वर के दर्शन करें, उनको वहाँ पाएं, वहीं वो हमें मिलेंगे। बाहर दुनिया के किसी और कोने में नहीं, लेकिन अपने अंदर ही हम पिता परमेश्वर के दर्शन करेंगे। और फिर फरमा रहे हैं कि लहू में कर दे रवां, रूह में उतार उसे, कि इतनी क्लोजनेस पिता परमेश्वर के साथ हो कि हमारे खून में वो चल रहे हैं हमारे साथ। खून शरीर के हर अंग में जाता है, उसे जान देता है कि पिता परमेश्वर को हम हर अपने हर हिस्से में पाएं और उसे अपनी रूह के अंदर सिमटा हुआ पाएं। पिता परमेश्वर हैं, उन्हें हम जान सकते हैं, उन्हें हम पहचान सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज यहीं आगे फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को, परवाज़ दे के देख जरा, करीब है, उसे आवाज़ दे के देख जरा। कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकें, ध्यान तो उसकी ओर करें, उसको पुकारें, उसकी ओर ध्यान करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें, तभी उसे मिल पाएंगे। करना क्या है कि रूह को थोड़ी उड़ान देनी है, रूह को अंदर की दुनिया में भेजना है, क्योंकि प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है, उनसे तो और कोई नज़दीक हो ही नहीं सकता। और पिता परमेश्वर को हम सब पाएं, यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। मीरा भाई ने भी एक जगह और लिखा है कि रेत है संत मिले मोहे सदगुरु दीनी सूरज से दानी, कि जब मुझे संत रविदास जी महाराज मिले तभी उन्होंने मुझे सही समझ दी कि आत्मा क्या है, रूह क्या है, उसको उड़ान कैसे देनी है। पहले तो मैं सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर ही जीती थी, पहले तो मेरा ध्यान जो मेरी आत्मा का भारी रूप है बाहर की दुनिया में जाता था, लेकिन संत रविदास जी महाराज ने अपनी तवज्जो दी, अपना प्रेम दिया, अपना ध्यान दिया, अपनी कमाई का हिस्सा दिया और मेरी समझ को सही कर दिया कि मेरा कर्ता पुरख के साथ कुछ कनेक्शन है। ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं कि हम इतने करोड़ों इंसान यहाँ जी रहे हैं इस धरती पर, पिता परमेश्वर को क्या मालूम कि सबके साथ क्या हो रहा है। और जब मुश्किल पड़ती है तो इंसान यही सोचता है, ओ प्रभु तो हमें भूल गए। और मुश्किलें हर एक की ज़िंदगी में आती हैं, तो हमारा यकीन पिता परमेश्वर उतना है नहीं जितना हम दिखाते हैं क्या। मगर जब तक उसमें यकीन नहीं होगा तब तक उसे हम पा नहीं सकते। तो प्रभु को पाना, प्रभु को ढूंढना, प्रभु के अंग संग होना, प्रभु से एकमेक होना, यही जिंदगी का लक्ष्य है, यही मकसद है। इसको जिसने पूरा कर लिया उसके जीने का पर्पस पूरा हो गया। और अगर ये जिंदगी प्रभु को जाने बगैर ही गुजर गई तो सब कुछ होते हुए भी बगैर कुछ पाए हम इस धरती से चल बसें। बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते चले आए हैं कि पिता परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं हम उनसे आगे मिलें। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम उन्हें
ढूंढ नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, उनसे एक में हो नहीं पाते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि वो है नहीं। इसीलिए वो इंसान जो पिता परमेश्वर की अंग संग होना चाहता है, जब उसके क्या क्या अनुभव होते हैं वो इस भजन के जरिए हमें मीराबाई जी समझा रही हैं। उनके अंदर एक तीव्र इच्छा थी पिता परमेश्वर को पाने की, तो जो उनकी जिंदगी का अनुभव है वही हमें यहाँ समझा रही हैं। बोली हैं, ओ जी हरि किस गए नेहा लगाए। जब हमें पिता परमेश्वर से प्रेम होता है और फिर हम उन्हें पा नहीं सकते, उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें सुन नहीं पाते, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। जब हमारी जिंदगी में ऐसे हो कि हमें लगे कि पिता परमेश्वर हैं और हम उनको मिल नहीं रहे, तो इंसान यही सोचता है कि हो मेरी जिंदगी में क्या हो गया। तो मीराबाई जी भी कह रहे हैं, ओ जी हरि कित गए न्या लगाए। कह रहे आपने तो मेरी आत्मा को उभार दिया। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि प्रभु से मुलाकात ऐसी होती है जैसे आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक। कि जो रूह से रूह की मुलाकात होती है वो शुरू आंखों से होती है। तो यही कह रहे हैं कि ओ जी हरि कित गए न्या लगाए, कि आपने मेरे अंदर आंखों के जरिए प्रेम जागृत कर दिया और उसके बाद आप लोभ हो गए, मुझे मिल नहीं रहे। मैं आपको ढूंढ रही हूँ लेकिन आप मुझे मिल नहीं रहे। और आगे बोल रही हैं कि नेहा लगाए मेरो मन हर लियो। कि हे पिता परमेश्वर, आपने अपने सद्गुरु जो भेजे हैं उनके जरिए मेरे मन को हर लिया, मेरा मन आपकी और हो गया, मेरा मन आपका हो गया। और फिर कह रहे रस भरी टेर सुनाए। आपने जो जो शब्द है जो रस से भरा हुआ है, जिसे अनहद शब्द कहते हैं, वो धुन मुझे मेरे अपने अंदर सुनवा दी। तो एक पूर्ण महापुरुष क्या करता है, अपनी तवज्जो देकर हमें वो तरीका बताता है जिससे कि हमारी सुरत की धारा जिसके जरिए हमारा ध्यान बाहर की ओर जा रहा है वो अंदर की ओर आए, यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र हो। जब वो शिव नेत्र पर एकाग्र होती है तो फिर हम अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक होते हैं। और अंदर में जिसे अनहद शब्द कहा गया है, जो प्रभु ने कण कण में बताया, उसको हम सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये फरमाने नया लगाए मेरे मन हर ले हो रस भरी तेज ने, कि आपने तो मुझे अनहद शब्द सुना दिया जिससे जुड़कर मैं शरीर से ऊपर उठी, पिंड से अन्न में, अन्न से भ्रमण में, भ्रमण से पार ब्रह्म में, वहां से सक्षण में, अंदरूनी यात्रा पर मैं जाना शुरू हो गई। वो आप ही की मदद से मैं गई और फिर सक्षण में पहुंचकर पहले हमारी आत्मा अपने सद्गुरु में लीन होती है, जिसे सूफिज्म में फिनाफिर शेख कहा गया है, और हमारे सद्गुरु फिर हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं, जिसे सूफिज्म में फिनाफिला कहा गया। तो यहाँ समझा रही है कि आपने अनहद शब्द के साथ मुझे जोड़ दिया ताकि मैं इस यात्रा पर जाने के लायक हो जाऊँ। और जब प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं और फिर हम उन्हें पाते नहीं, हमारी मुलाकात उनसे नहीं होती, हम उनके दर्शन नहीं कर पाते, तो क्या हालत होती है वो अगली लाइन में सुना रहे हैं कि मेरे मन में ऐसे आवे मरूं जहर विष खाए। जब हम अपने सद्गुरु को मिल नहीं पा रहे, जब आत्मा परमात्मा को मिल नहीं पा रही, तो उसमें एक तड़पन होती है, उसको लगता है कि जिंदगी बेकार हो रही है,
जिस देश से हम यहाँ आए वो पूरा नहीं हो रहा। तो इसलिए फरमा रहे हैं यादव के ऐसे लग रहा है कि जहर खाकर विष खाकर मैं इस दुनिया से खत्म हूं, तभी मेरा मिलाप पिता परमेश्वर में होगा। अब शमा और परवाने का आपने एग्जाम्पल सुना होगा। एक परवाना शमा से बहुत प्रेम करता है, वो चाहता है कि वो शमा से एक में को, उसे ये भी शायद मालूम है कि अगर मैं शमा में जाके मिलूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वो रुकता नहीं, वो शमा की ओर जाता रहता है जाता रहता है। और जब वो शमा में जाकर मिल जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो वो खुशी की अवस्था में पहुंच जाता है। बार 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 महाप्रजन समझाते हैं कि जब हम शरीर से ऊपर उठेंगे तभी सदा सदा का आनंद पाएंगे। तो यहाँ जो मर जाना कहा हुआ है कि मरूं जहर विष खाए, वो इस शरीर से छुटकारा पाने की बातचीत की जा रही है कि शरीर से हम ऊपर उठ पाए। जब तक शरीर से ऊपर उठेंगे नहीं, सदा सदा का आनंद हम पाएंगे नहीं। कबीर साहब जी ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो भी फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अब जिस मरने की वो बात कर रहे हैं, वो फिजिकल डेथ की बात नहीं कर रहे, वो शरीर से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं कि मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद, कि वो अवस्था जिसमें सदा सदा का सुख चैन होता है, वो अवस्था जिसमें आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो गया, वो अवस्था जहाँ खुशियाँ खुशियाँ आनंद ही आनंद है, वो तभी होता है जब हम इस शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। इसीलिए यहाँ फरमाया गया कि इस शरीर से हम ऊपर उठ पाए। और आगे फरमा रही है कि छाट गए विश्वास घात कर नेहा की नाव चढ़ाए, कह रहे हैं हे पिता परमेश्वर, आपने तो मुझे प्रेम की नाव पर बिठा दिया और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बिठा कर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो अंदरूनी रास्ते हैं बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं, इसमें विरह जो कि ये जानना, इसका अनुभव करना कि हम पिता परमेश्वर से अलग हैं, भी बहुत ज़रूरी है, भी एक पार्ट ऑफ द जर्नी है जिसमें से हम सबको गुजरना पड़ता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि आपने मुझे प्रेम की कश्ती में बिठाया और ऐसे लग रहा है कि कश्ती में बिठा के आप चले गए हो दूर, क्योंकि आत्मा को सब मालूम नहीं कि पिता परमेश्वर क्या कर रहे हैं। अलग अलग स्टेजेस में से हमारी रूह को गुजरना पड़ता है, तभी हम जाके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और आगे मीराबाई जी फरमा रही हैं कि मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे रहे मधुपुरी छाए, गरी हे पिता परमेश्वर, मैं तो जो सदा सदा का आनंद की अवस्था है उसमें बैठी हुई हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात कब होगी? एक कशिश पिता परमेश्वर को पाने की, कि एक तड़पन एक लगन हमारे अंदर हो कि हम जो जिंदगी का मकसद है, जो पिता परमेश्वर को जानना पहचानना उनको पाना उनमें लीन होना, वो हम पूरा कर पाए। जिसमें वो लगन होती है वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। मीरा बाई चाहे उन्होंने अपनी ज़िंदगी सगुण भक्ति से शुरू करी, लेकिन वो आत्मा जिसका मिलाप परमात्मा से होना, उसकी ज़िंदगी में प्रभु किसी न किसी महापुरुष को ज़रूर भेजते हैं। उनकी जब नजर करम हम पर पड़ती है, अपनी तवज्जो हमें देते हैं, तभी मन माया के पर्दे जो लाखों करोड़ों सालों से हमारे ऊपर पड़े हुए हैं वो हटने शुरू हो जाते हैं। जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है कि एक अंधेरी रात, जब हमारी आत्मा को कोई मौका नहीं होता पिता परमेश्वर को पाने का, तो उसके लिए अंधेरी रात है। अगर हम किसी और योनि में हों तो हमें कोई मौका नहीं प्रभु को पाने का। सिर्फ इस मानव चोले में ही प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और
पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और वो लोग जिनकी समझ में ये आ जाता है कि ये जो मानव चोला है इसकी वैल्यू रियली में क्या, वही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उनसे एक में हों, जो जो हमें चाहिए वो हमें देते हैं, अब उसका इस्तेमाल हमने खुद करना है। वो भाई बहन जिन्हें मिला है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और वो भाई बहन जो प्रभु ने सब कुछ दिया है और उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर बार 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 इस 84 लाख जिया जून के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में ये पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत पाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि जिस मकसद से हम सब यहाँ आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, इन महापुरुषों की दया में हम पर इतनी हो कि हम उस मकसद को जल्दी से पूरा कर पाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आरते से सामने आप फोकस हों। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।